अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं दही की कढ़ी, यानी कि दही एंड भजियों की कढ़ी। दही की कढ़ी यानी कि दही भजियों की कढ़ी को जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आधा किलो दही है जिसे हमने अच्छे से फेर लिया है। ये है बेसन, ये हरी मिर्ची का पेस्ट है, इसमें से हम सिर्फ 2 टेबल स्पून पेस्ट यूज़ करेंगे। ये है कोथमीर करी लीव्स, हमने एक छोटी बारीक प्याज कट कर ली है। ये है लहसुन, लहसुन को हम कूट लेंगे। इंग्रेडिएंट्स में ये देख सकते हैं आप, नमक स्वाद अनुसार, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, रेड मिर्ची पाउडर, सोडा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप रेडी रख लें। अब हम इसमें ये दही में हम ऐड करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। आप दही में ऐड कर दें 1 बाई 1। ये हमने सिर्फ 2 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट ऐड किया है। ये है करी लीव्स, हम करी लीव्स ऐड कर देंगे, धनिया भी ऐड कर देंगे और हम इसमें ऐड करेंगे छोटी कटी हुई प्याज। अब इसमें हमने ये लहसुन को कूट लिया है, वो भी ऐड कर दिया। अब इसे सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 गिलास पानी, 3 ग्लास ऑफ वाटर। इसमें आप 3 गिलास ऑफ वाटर ऐड करने के बाद आप इसे आप गैस पे रख दें अच्छे से पकने के लिए। जब ये दही पक जाएगा हम इसे बघार लेंगे। ये दही को हमने गैस पे रख दिया है। ये देख सकते हैं दही का लुक पकने के बाद, दही अब हमारा पक चुका है, इसे हम बघार लेंगे। बघारने के लिए हमें चाहिए राया, ज़ीरा, करी लीव्स, लाल मिर्ची। ये देख सकते हैं हमारे पास 4 इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। एक पैन में आप ऑयल गरम कर लें। ऑयल गरम होने के बाद हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को आप अच्छे से भून लें। हल्का ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे करी लीव्स। करी लीव्स को भी आप अच्छे से भून लें। भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड मिर्चीस। इसे एटलीस्ट 30 सेकेंड के लिए पका लें। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा हम इसमें दही ऐड कर देंगे जो हमने ऑलरेडी पका लिया है। ये दही को हम वो बघार में ऐड कर लेंगे। ये बघार में ऐड कर लें आप हल्के से संभल कर। ऐड करने के बाद गैस पे छोड़ दें इसे पकने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए। जब तक ये दही पकेगा हम भजियों की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम बेसन। बेसन में आप ऐड कर लें जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड मिर्ची पाउडर। इसमें आप 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट भी ऐड कर लें। अब इसमें हमने एक छोटी कटी हुई प्याज ऐड कर ली है, थोड़ा सा कोथमीर। ऐड करने के बाद ये सारे मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें आप। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, ये ना ही ज़्यादा थिक ना ही ज़्यादा थिन पेस्ट होना चाहिए। देखिए हमने पेस्ट को रेडी कर लिया है। अब हम इसके भजिए बनाएंगे। एक पैन को आप गैस पे रख दें तेल गरम होने के लिए। ये देख सकते हैं हमने गैस पे पैन रख दिया है, अब ये तेल गरम हो चुका है। हम इसमें 1 बाई 1 भजिए ऐड करेंगे स्मॉल साइज़ के। आप ऐसे ही सारे भजिए ऐड कर दें पैन में। अब देख सकते हैं एक साइड ब्राउन हो चुके हैं, हम नेक्स्ट साइड टर्न कर रहे हैं। ये भजिए बनने के बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए भजिए अच्छे से ब्राउन हो रहे हैं, ये भजिए बन चुके हैं, हम इसमें इसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से आप 1 बाई 1 सारे भजिए तल लें सेम साइज़ के। जैसे ही ये भजिए रेडी हो जाएंगे, ये देखिए हमारे भजिए रेडी हो चुके हैं। ये भजिए आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लजीज लगते हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड करके इसे खा सकते हैं। लेकिन आज हम बनाने वाले दही कढ़ी, तो ये भजियों को हम वो दही में ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं हमारे भजिए रेडी। ये दही में आप 1 बाई 1 भजिए ऐड कर दें। ये देखिए हमने सारे भजिए ऐड कर लिए हैं दही में जिसे हमने बघार के रखा था। अब इसे पकने के लिए छोड़ दें एटलीस्ट 5 मिनट्स। सिम पर रखें आप, ये ज़्यादा फ्लेम पर ना रखें। देख सकते हैं हमारी दही एंड भजियों की कढ़ी रेडी हो चुकी है। इसे आप थोड़ा सा गार्निश कर लें कोरिएंडर लीफ से। अब हमारा फाइनल लुक रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे घर में आप एक बार ज़रूर बनाएं। फिर मिलते हैं हम आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक आप ये दही के भजियों की कढ़ी को इंजॉय करें, ऐसे हम दही की कढ़ी कहते हैं, इसे आप ज़रूर इंजॉय करें। बाय बाय।